वीरेंद्र घंटावास ने झांझरोला खेड़ा में की जनसभा और मिला जबरदस्त समर्थन। लगातार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वीरेंद्र सिंह का पलड़ा बाहरी और जबरदस्त नजर आता जा रहा है। इसी कड़ी में आज उन्होंने झांझरोला खेड़ा में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी आता है वोट मांग के निकल जाता है और ग्रामीणों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा मत उनको देकर विजय बनाएंगे और पगड़ी का मान सम्मान देकर उन्हें बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और बुजुर्गों ने कहा कि अब की बार उनकी गाड़ी होगी पार। संवाददाता ने बातचीत किया, ये सुनिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़24 और मैं हूँ भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव झांझरोला खेड़ा के अंदर। आप लगातार देख पा रहे हैं कि इस वार्ड में जो चुनावी प्रक्रियाएँ हैं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। उठा पटक की राजनीति अब शुरू हो गई है। कोई भी उम्मीदवार किसी को भी कभी भी किसी भी टाइम पटक नहीं दे सकता है, क्योंकि जो बड़े वोट बैंक है उसकी तरफ अब जनसभाएं शुरू हो गई हैं। कल और परसों का और दिन है, उसके बाद चुनाव होगा। आज एक जनसभा को संबोधित किया है वीरेंद्र सिंह घंटावास से, जो पूर्व सरपंच भी हैं और अपना जो लगातार चुनाव प्रचार करें। पहले डोर टू डोर किया पूरा वार्ड, जन समस्याएँ सुनी, उसके बाद अब जो जनसभाएँ करते चल रहे हैं गाँव में। लगातार हर दिन 8-9 जनसभाएं, कभी 10 या कभी 12, और लगातार जन समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार आपको भी और मेरे वार्ड 424 के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ जी। आज जो जनसभाएं हुई और एक जन समर्थन मिला, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे भाई? आज का जन समर्थन बहुत अभूतपूर्व जन समर्थन है, लोगों की भावना है। मैंने लोगों की भावना जुड़ी है मेरे साथ, बहुत बढ़िया जनसभा मिल गया। और अगर इस तरह मिलता रहे ना तो बहुत ज़्यादा वोटों से जीत। पिछले चुनाव आपने जो लड़ा उसमें और इसमें क्या आपको अंतर लग रहा है, और किस तरह से जनसमर्थन उसमें था इसमें है, क्या अंतर मान के चलते हैं? बाबूजी, पिछला चुनाव में आज का में तो बहुत अंतर है जी। जब तो मेरी एक भी जनसभा ना हुई, कहीं भी ना हुई ठीक, तो आज तो गांव में भी मेरी चार थे, के गांव में चार चार जनसभा हो रही है, मोहल्ला वाइज, बिरादरी वाइज, हर गांव में अलग अलग, तीन तीन बार जा रहा हूँ, चार चार बार जा रहा हूँ मैं दोबारा। ये बहुत अंतर है यार। दो दिन बचे हैं और कितना अस्वस्थ मानते हैं बाप अपने आपको, किस स्थान पर मान के चल रहे हैं? जितना जितना चुनाव नज़दीक आता जा रहा है मैं उतना उतना अपना अपने बहुत अस्वस्थ मानता हूँ, स्वस्थ मानता हूँ कि भाई मैं चुनाव पार हूँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और हमारे माध्यम से भी जो आपकी अपील है 9 तारीख के लिए आपके साथी और समर्थकों के लिए। हाँ, मैं आपका माध्यम से अपना साथी आता है, अपना वार्डवासी आता है, एक ही अपील करनी चाहूँ कि आने वाले 9 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह गाड़ी गाड़ी के सामने वाला बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हक में मतदान करें, जिससे इस क्षेत्र की कायाकल्प हो सके, वार्ड का विकास है, वो विकास हो सके। और भी ग्रामीण भी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है चुनाव के लिए? चुनाव में जी हम तो सरपंच साहब की ज़्यादा ज़्यादा मदद करेंगे पूरे गांव में। हाँ जी, मतलब सरपंच साहब एक योग्य उम्मीदवार है और एक मतलब आम मतलब जनता से जुड़ा हुआ आदमी है, तो ये मतलब यहाँ के एरिया के लिए बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। क्या रुझान लगता है चुनाव? बढ़िया नेता है अपना, पुराना भूपत सरपंच है जी, बहुत बढ़िया, इसने जितना कार्य करे बहुत बढ़िया, समाज से जुड़े हो रहे हैं, समाज की सेवा करने वाला है, इतना कार्य करता है बहुत, भाई वीरेंद्र जी बहुत उस चीज़ से। ताऊ जी, चुनाव आपने बहुत देखे और भी चुनाव होते हैं, क्या चुनाव में फ़र्क लगा और कौन जीत की तरफ आप यहाँ से? बहुत बढ़िया चुनाव है, सारा गांव में इनके साथ है, वीरेंद्र सामाजिक आदमी है, पुराना बुढ़ा, तो हम इसके साथ है सब। आप देख पा रहे हैं कि चुनाव में अब लास्ट में आ गया, बिल्कुल ये मान के चल रहा है जी, अपना प्रधान न जीताऊंगा जी ठीक है, और काम करेगा बढ़िया समाज को ठीक है, अपना घर कोई ना धरे, समाज में रहेगा जुड़ के और बढ़िया काम करेगा। ताऊ जी, आपकी भी राय? हाँ, ले रहा है, क्यों ना ले भाई, बढ़िया है। क्यों कहना, दारू का बड़ा प्रचलन हो गया चुनाव में। हमारा गांव में कोई दारू नहीं पीवे, ना कोई लेना देना, जो हाँ भर लेगा वो पक्की उतरेगी, हर समाज की पक्की उतरेगी। हमारा गांव में कोई लेना देना नहीं, दारू शराब कोई नहीं, ना पैसा देना, ना सरपंच की पीवे, ना मेम्बरों की पीवे, किसी की नहीं। इसको बहुत बढ़िया माहौल है और बहुत अच्छी वोट आवेगी और ये बहुत बढ़िया वोट आता।
भाई पिछली बार या दो आम में तो फर्क रहा है भाई, कम वोट आवे इनकी बात तो इसकी सांस भी ना आवे इतनी वोट हो रही है गांव में, सगर दिखान देखोगा वोटे वोट है इसकी। हाँ जी, तो ये तमाम ग्रामीण और जो साथ रहते हैं उनसे भी बातचीत की, और भी दो दिन बाकी हैं, जितनी भी चुनाव की जनसभाएं होंगी वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे, और तमाम उम्मीदवारों की जो आवाज़ है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश है। जब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। शुक्रिया।